वैसे हमें तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुमने कैफे रॉयल का नाम सुना है? कैफे रॉयल कोई रेस्टोरेंट है क्या? हमने सुना है कि काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। जी जी, अगर आपको कभी वहां जाने का मन करे ना, तो हमसे कहिएगा, हम आपको ले चलेंगे। एक्सक्यूज मी। बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं, अब तो केक काट लो। मोनिया ना जाने किन मुश्किलों का सामना करके आज यहाँ मेरा बर्थडे मनाने आएगी, और उसके आने से पहले मैं केक काट लूं? मोनिया ने आज यहाँ आने का वादा किया, देखना वो जरूर आएगी। हाय पृथ्वी, इनसे मिलो। मान्यता, मान्यता, ये हैं पृथ्वीराज राठौड़, कुंभलगढ़ से। नमस्ते। उदयवीर, मैं अभी आई, मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। मान्यता, पानी यहाँ पे आ जाएगा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वेटर, राजकुमारी जी के लिए पानी ले आओ। गुड इवनिंग पृथ्वी। लॉन्ग टाइम। लास्ट हम शायद जोधपुर में मिले थे, पोलो कप के दौरान, रिमेम्बर? कोस राजनंदनी, आपको कोई भूल थोड़ी ना सकता है। वैसे उदय, अगर कोई है जो तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी और हमारे बीच हमेशा बराबर का मुकाबला रहा है। हम हमेशा पोजीशन 1 पे खेलते हैं और ये पोजीशन 4 पे। आई एग्री विद यू उदय, तुम्हें हराना मुश्किल है, स्पेशली जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा घोड़ा सुल्तान है। याद है ना पिछले साल दिल्ली में क्या हुआ था? जी, हमें तो घोड़ों से ज्यादा कार्स पसंद है। और आपको पता है हमें सबसे ज्यादा कौन सी कार अच्छी लगती है? हमारी वो ब्लैक वाली कार, जिसमें हम यहाँ आए, अभी भी बाहर ड्राइववे में लगी हुई है। भाग मुनिया भाग, उदय तो उस दूसरे युवराज को पकाने में लगा हुआ है और जे की गाड़ी भी बाहर लगी हुई है। अगर अभी नहीं भागी ना, तो अगले 100 साल तक नहीं भाग पाऊंगी। ये मान्यता कहाँ रह गई? कहीं फिर से उस मजनू के पास तो नहीं चली गई? मोनिया, उत्तरी तुम
तुम बाहर कैसे निकली? दादा ने तो नहीं देखा? जी ने मेरी मदद की। उदय को तुम्हें वो कंबल कर राजकुमार मारा ना, उसके साथ बिजी कर दिया। और जी ने कहा कि उसके कार लेके ना आकाश से मिलने चली जाओ। वन सेक, जे तुम्हारी मदद कर रही है। मोनिया, हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। अब इन सारी बातों का वक्त नहीं है। आकाश का जन्मदिन खत्म होने के लिए सिर्फ थोड़ा वक्त रह गया है। ओ हाँ, चलो लेट्स गो। अरे उन्नति, मेरे तोहफे? वो मैंने चिक्की को दे दिए, डोंट वरी, लेट्स गो। चलो। क्या मैं युवराज उदयवीर सिंह से स्टेज पर आने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? और युवराज उदयवीर के साथ स्टेज पर आ रही है देवगढ़ स्टेट की खूबसूरत राजकुमारी जयनंदिनी। Congratulations. तुमको नहीं, मान्यता जीजी को। तो एक बार फिर तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। सर जी, 12 बजने वाले हैं, प्लीज आप लोग अब जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि 12:15 बजे पुलिस आ जाती है राउंड अप के लिए, खामखा परेशानी हो जाएगी। सर बस थोड़ी देर और, दरअसल हम किसी का इंतजार करें, वो आती होंगी। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाएगी सर, प्लीज आप लोग खाली कर दीजिए। प्लीज सर, बस 15 मिनट और दे दीजिए, इनका जन्मदिन है आज। छोटे बच्चे तो नहीं है ना ये, कि कोई बलून फोड़ देगा तो रोएंगे। प्लीज आप लोग अपना सामान पैक कीजिए और मेहमानों से जाने के लिए कहिए। प्लीज आकाश बेटा, अब तो केक काट ले। कहीं हमारे जाते मुनिया आ गई तो? बेटा अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती, जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। वो नहीं आई है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना।
हैप्पी बर्थडे मेरे लड्डू। जेल की सलाखों को पिघला कर आई हूँ। तुमसे मिलने के लिए रोज रोज झांसी की रानी बनना पड़ता है। इतनी एक्टिंग करनी पड़ती है सच्ची। अगर मैं इतनी एक्टिंग करती रही ना तो एक दिन हीरोइन बन जाऊंगी। पता है उस उदय ने ना मुझे पागल कर दिया। पता नहीं किसी घुड़सवारों की पार्टी में ले गया था। सभी लोग मेरा घोड़ा ऐसा है, तेरा घोड़ा ऐसा है, दोनों घोड़े ऐसे है, घोड़े घोड़े घोड़े। बस मैं तो पकी गई वहां पे। मन ही मन सोच रही थी कि कहां फंस गई, क्योंकि मुझे तो बस घोड़े बेच के सोना आता है। अच्छा ये सब छोड़ो, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने तुम्हें आधा शब्द भी बोलने नहीं दिया है ना। ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ नहीं तो, मेरे लड्डू का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है, और वो भी सर पर आइज वाली। मेरे लिए केक रखा है या फिर सब कुछ ढाप लिया? तुम्हारे बगैर मैं केक थोड़ी काटने वाला था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हमारे साथ स्टेज पे खड़े होने की तुम्हारी कोई घटिया चाल तो नहीं है? उदय अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे इस छोटे से कुएं के बाहर भी एक दुनिया है जहां मान्यता आकाश के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आज आकाश का बर्थडे है उदय, और मान्यता उसके लिए इस दिन को स्पेशल बनाना चाहती थी। इसीलिए लास्ट फ्यू डेज से वो उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है। तो नाउ यू नो वो तुम्हारे साथ इतना हंस बोलकर बात क्यों कर रही थी? मतलब तुम ये सब पहले से जानती थी? नहीं ऐसा नहीं है, हम वो गॉड डैम इट, मैं पता होना चाहिए था। तुम्हीं ने मान्यता को यहाँ से भागने में मदद की है ना। हम पृथ्वी के साथ दो चार बातें करने में क्या लोचे जय, हमने मौका देखा नहीं और मान्यता को यहां से भगा दिया। गुड यू जय। उदय लीव मी, होटल में उदय, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया है। हम बस इतना चाहते थे कि तुम आकाश और मान्यता को रंगे हाथों पकड़ लो। हम जानते हैं वो दोनों कहाँ हैं। क्यों जे? क्यों करें हम तुम्हें भरोसा? हमें एक वजह दे दो। क्योंकि हम पर भरोसा करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये बात झूठी निकली जे, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और अगर ये बात सच निकली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो कैफे रॉयल चलकर खुद ही देख लो, तब पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन नहीं।
चलो। तो हम लोगों की पार्टी बर्बाद करना चाहता था ना, अगर आकाश को लोनावला लेके चला जाता तो सॉरी। अंकल जी मैं जानती हूँ आपका रेस्टोरेंट बंद करने का वक्त हो गया है, पर मैं अभी अभी आई ना, हम बिल्कुल शोर नहीं बचाएंगे सच्ची में, प्लीज अभी हमें मत निकालिए, प्लीज 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 प्लीज। ओके ठीक है, थोड़ी देर और सही, पर बिल्कुल शोर मत मचाना, ओके? थैंक यू अंकल, ये लीजिए। हेलो, हेलो उन्नति। नहीं सर, मैं ड्राइवर सूर्यकांत बोल रहा हूँ। सूर्यकांत, तो उन्नति कहाँ है? उन्नति मैडम को तो हमने आपके फंक्शन के लिए होटल में छोड़ दिया था। गलती से उन्होंने अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया था, तो मैंने आपका नंबर देख करके फोन उठा लिया। क्या? पर उन्नति तो हमें वहाँ नहीं दिखी। क्या बात कर रहे हैं सर, वो वहीं कहीं होंगी, मैंने उन्हें वहाँ खुद ड्रॉप किया था। ठीक है, जैसे वो गाड़ी में आए उन्हें बोलना हमें फोन करें। जी सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलो आकाश अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। क्या हो रहा है मेरे आसपास? कुछ नहीं, बस तो आंखें मत खोलना। अब खोलो। मुंबई में बहुत सर्दी है ना, इसलिए। सच में मोनिया तुम कमाल हो। धाकड़ हूँ धाकड़। एक और धाकड़ गिफ्ट है तुम्हारे लिए। पहले मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कार्ड बना देती हूँ, पर फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा कार्ड ही क्यों, पूरा का पूरा एल्बम ही बना डालती हूँ। इसलिए चापना तोहफा कबूल करो। एल्बम? अब तो राज सिमरन, जोधा अकबर, लैला मजनू सब भाड़ में गए, क्योंकि अब आकाश और मोनी आ गए हैं। हमारी कहानी आकाश, इसमें हमारी सारी यादें हैं, हमारा सारा सफर है। ये देखो, जब तुम पहली बार मुझे घुमाने लेके गए थे ना ऑफिस से, और हम ट्रेन में गए थे, उसकी टिकट, और ये तुमने जो मुझे जूते गिफ्ट किए थे उसका लेबल, और याद है हम जू बीच गए थे और हमने ऑरेंज खाई थी, उसकी डंडी। आगे मैंने ना हमारी तस्वीरें भी लगाई हैं, हमारी बहुत सारी बातें भी लिखी है,
वैसे तो मेरी लिखाई बहुत बुरी है, ऐसा लगता है जैसे चींटी सिहाई के जूते पहनकर ना कागज पर चल रही हो। इसलिए अगर कुछ पढ़ ना सको तो मुझसे पूछ लेना, ओके? ये सब क्यों मोनिया? ताकि अगर कभी भी हमारे प्यार पे कोई मुसीबत आए तो तुम इस एल्बम को देख सको और तुम्हें सुकून पड़ जाए, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों को चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना खानी पड़े, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया की था 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 और हम दोनों की वाह वाह वाह। यही है कैफे रॉयल होते, दिस इज द डैम्प प्लेस। यही है दोनों आकाश का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई साहब ये कैफे बंद हो गया क्या? अभी तक तो खुला ही नहीं है, रिनोवेशन के बाद अगले हफ्ते खुलेगा। 15 दिन से बंद है। थैंक्स। हाउ कुड यू जे, इतना बड़ा झूठ तुम बोल भी कैसे सकती हो? हमारी बात सुनो उदय, प्लीज हम पर भरोसा करो, हम सच कह रहे हैं। हो सकता है कि पार्टी यहाँ ना हो रही हो, पर पार्टी हो जरूर रही है। हनीता ने खुद हमसे केक शॉप का नंबर मांगा था। जे प्लीज, एक और झूठ जे। अब तक मान्यता को ऐसे टारगेट करती रहोगी तुम? ओके फाइन, अगर मान्यता आकाश के साथ यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है उदय? जब उदय रॉयल कैफे जाएगा और देखेगा कि हम लोग नहीं है तो क्या 12 बजेंगे जय कम्युनिकेशन कल पर? उदय तो खिलसता भड़कता अच्छी मरम्मत लेगा उसकी, दोनों हमेशा हमारी जान के पीछे बड़े रहते हैं ना, अब आएगा मजा। पर मोनिया क्या प्लान बनाया था तुमने, मजा आ गया। पता है हमने जब गलती से जे से कहा कि हम लोग कैफे रॉयल जा रहे हैं, उसने हमारी बात इतनी आसानी से मान ली। हर जगह अपनी नाक घुसेड़ती रहती ना वो घमंडी, अच्छा सबक सिखाया हमने उसे। बस अब हमारे ड्रामे का लास्ट एक्ट बचा है ना? एनीवे इट्स गेटिंग लेट, हमें चलना चाहिए। सो आकाश हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू सो मच उन्नति, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए। उदय की बहन होने के बावजूद आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। पता है आकाश, अगर मोनिया ने हमारे दादा से शादी कर ली ना
तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। पर हम अपनी खुशी मोनिया पे नहीं थोप सकते। मोनिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और हम जानते हैं कि वो आपसे प्यार करती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि मोनिया अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जिए। सो यू डोंट नीड टू थैंक मी, हमने वही किया जो एक दोस्त दोस्त के लिए करता है। बाय मोनिया। थैंक यू नदी। यू आर वेलकम। बाय सोनी। बाय चिकी। बाय। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा जा रहे हो? ओके सी यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश। अब मैं भी चलता हूँ। जा रहे हैं? अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। टच में रहना। हाँ हाँ। थैंक यू। बाय। थैंक यू आकाश बेटा। बहुत देर हो गई है, अब हम लोग भी निकलते हैं। बाय बाय अम्मा। हेलो। हेलो श्रीकांत। उन्नति आई? सर ये लीजिए, उन्नति मैडम आ गई। दादा कहाँ हैं आप? आप ही कमाल करते हैं। हम यहाँ आए हैं आपकी पार्टी में और आप जे के साथ ड्राइव पे चले गए। छोटी मान्यता है तुम्हारे साथ? मोनिया हमारे साथ थी पर अब वो महल वापस जा चुकी है जे की कार में। ठीक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। जब तक उसे देख नहीं लेंगे हमें चैन की सांस नहीं आएगी। दादा ओह गॉड। फोन स्विच ऑफ है, अगर वो टाइम से घर नहीं पहुंची तो मुनिया जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि वो सारे पागल है। तुम्हारे लिए तो लोगों को मुफ्त में सब कुछ करना चाहिए। तुम हो इतने अच्छे, दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अब तुम सोच लोगे कि मैं इतनी सी हूं और मुझे बड़ा पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। जी यस बॉस, मैंने ना बड़ी दुनिया देखी है, इतने सारे जगह रही हूं, पूरी जिंदगी इतने सारे दोस्त बनाए, पर तुम सा कभी कोई नहीं मिला। पता है आकाश, हर कोई मतलब ही होता है। मैं भी हूं पर तुम
तुम तो अलग ही मिट्टी के बने हो, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तुम्हारी वजह से हूं मोनिया। तुम ही तो मेरी ताकत हो, तुम्हारी वजह से रोज सुबह उठ के मैं हिम्मत जुटा पाता हूं इस दुनिया के उदय वीरों से जूझने की, जिन्हें किस्मत ने सब कुछ सोने की प्लेट पर सजा कर दे दिया। उदयवीर की प्लेट में ढेर सारी चीजें, पैसा, रियासत, ताकत, सब कुछ, पर मैं नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी स्टील की प्लेट पर हूं। हाँ, नहीं तो तुम भगवान में बिलीव करती हो? हाँ, ये कैसा सवाल है? सिर्फ हाँ या ना? हाँ, क्यों? इसका मतलब कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं। हाँ, कभी कभी। क्यों पर? गुड, तो दुआ करना शुरू कर दो जे, कि मान्यता इस वक्त कमरे में ना हो, क्योंकि अगर वो कमरे में हुई तो फिर भगवान भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। उदय, आई स्वेयर, मान्यता आकाश के साथ ही है, वो यहां हो ही नहीं सकती। पॉसिबल, ये अभी अभी यहां पहुंची होगी। इसका लक अच्छा है कि हमारे यहां पहुंचने से पहले ये पहुंच गई, पर हम इतनी आसानी से इसे यहां से बचकर निकलने नहीं देंगे। कुछ तो होगा। आकाश के लिए जो गिफ्ट बनाई थी मैडम ने, उसका कोई रैपिंग पेपर, कुछ कोई रिबन, कुछ तो होगा। जी चलो यहां से, वो जाग जाएगी। चौंकने की जरूरत उसे नहीं, तुम्हें है उदय। Come on उदय, wake up and smell the coffee। वो तुम्हारे सामने नाटक कर रही है। अब एक और वर्ड नहीं। चलो यहां से। उदय, जे? उदय, 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 उ
समझने की कोशिश तो कर। इनफ जे, इनफ। तुम जैसी झूठी मक्कार मैनिपुलेटिव और बिगड़ी हुई लड़की हमने आज तक नहीं देखी। जे, हम ये जो छोटी छोटी माइंड गेम्स खेलते हैं ना, इसमें हमेशा एक अनरिटन रूल होता है कि हम बाकियों के साथ चाहे कुछ भी करें लेकिन एक दूसरे को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और आज तुमने ये रूल तोड़ दिया। जे ओदे, हम तुम्हें हर्ट क्यों करना चाहेंगे? डोंट यू नो कि हम तुम्हें लाइक करते हैं? डोंट यू नो ओदे कि हम तुम्हारे बारे में क्या फील करते हैं? डोंट यू नो ओदे कि हमारे रोगे के ना होने पर हमें कितना दुख हुआ था? और इसी चीज का बदला तुम मान्यता और हमसे आज तक निकाल रही हो? लिसन जे, तुम वहां सबके सामने हमारे साथ स्टेज पे खड़ा होना चाहती थी तो कांग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। कल के सारे न्यूज़पेपर्स में हमारी फोटो छपेगी। लेकिन तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुमने ये जो घटिया ड्रामा किया ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फॉर द लास्ट टाइम उदय, हम सच कह रहे हैं, मान्यता झूठ। हम तुम्हें ये प्रूफ कर सकते हैं। प्लीज जे, प्लीज हमें बख्श दो, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हें नहीं बख्शने वाले। मोनिया, देखा जाए तो मेरा जन्मदिन अभी भी बाकी है। पर 12 तो बज गए फिर। अभी भी 1 मिनट बाकी है और मेरी एक और विश है। अच्छा, क्या चाहिए? फटाफट बोलो। हाँ, तुम्हारी वो पागल बहन कमरे में तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो शक में कि मैं कमरे में कैसे पहुंच गई। यानी तुम अकेली हो, ग्रेट। हाँ, अब बोलो भी कि क्या चाहिए। मोनिया, मैंने आज तक तुम्हें कम से कम 120 बार आई लव यू बोला और तुमने मुझे गिनकर सिर्फ 2 बार, यानी कि मैं 60 बार तुम आई लव यू बोलता तो मुझे 1 बार बोलती। ये तो नाइंसाफी हुई ना। अब तुम अनशन ना बको। ब्रांचेड नहीं मोनिया जी, सिर्फ आई लव यू बोलो ना। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से ये 3 शब्द सुनना चाहता हूँ और ये मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट है। बोलो ना। इस वक्त तुम्हें अपन भरोसा करने में थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, पर प्लीज उदय, हम सच कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक हमारी बात समझने की कोशिश करो। मान्यता आकाश से प्यार करती है, तुमसे नहीं। उसे भूलना तो दूर, वो तो उसके और ज्यादा करीब आ गई है। बस जी, बस, इनफ। तुम हमारे इतने नजदीक हो लेकिन हमारे सबसे ज्यादा करीब मान्यता है और ये बात तुम हमेशा याद रखना। मान्यता आकाश को भूलना चाहती है लेकिन तुम हो कि उसे आकाश को भुलाने ही नहीं दे रही। नहीं, तुम्ही ने कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया होगा जिसकी वजह से मान्यता पार्टी छोड़ के चली जाए और तुम हमारे साथ स्टेज पे खड़ी हो जाओ। No, I swear on you, हम सच कह रहे हैं। किसी को बदनाम करने से ज्यादा छोटी और घटिया चीज कोई और नहीं होती। तुम्हें मान्यता के खिलाफ और कुछ नहीं मिला तो तुम उसे बदनाम करने लग गई। I'm done with you, Jay. I'm seriously done with you. पिछले दिनों के तुम्हारे बिहेवियर ने हमें यकीन दिला दिया कि हम तुम्हारे बारे में कितना गलत थे। तुम एक अच्छी महारानी कभी नहीं बन सकती, Jay. कभी भी नहीं। होते, प्लीज होते, मत करो ऐसा। फोन पर होते, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें नहीं समझ सकती। होते, हमसे बेटर तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। होते, होते, listen to me, होते, होते, please come back, हमारी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है, हम तुम्हें एक अच्छी महारानी बनकर दिखाएंगे, होते, वापस आओ। अंग्रेजी में 3 शब्द सुन लेना आकाश। हाँ बोलो ना। हाउ डू डू।
बहुत स्मार्ट हो तुम मोनिया। ये लो, ये भी तो तीन शब्द है, बहुत स्मार्ट हो। अरे तंग मत करो ना मोनिया, बोलो ना। अच्छा ये लो तीन शब्द, हैप्पी बर्थडे आकाश। मोनिया यार मुझे वैसी आज रात भर नींद नहीं आने वाली। क्यों? खुशी के मारे इंसान की नींद उड़ जाती है ना। ओफो आकाश, ये सब ना मुझसे नहीं होता। पहले शर्माओ और फिर बोलो आई लव यू और फिर थोड़ा शर्माओ। क्या यार मोनिया, तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो, इतने बड़े बड़े रिस्क लेती हो और अभी मेरे तुम इतना भी नहीं कर पा रही हो। ठीक है मैं कोशिश करती हूँ एकदम मस्त फीलिंग के साथ। आकाश आई आकाश बाद में फोन करती हूँ। क्या कर रही है तू, पागल हो गई है? अपना ये नाटक बंद करो मान्यता, अभी यहाँ सिर्फ तुम और हम हैं। उदय को तो बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया तुमने, अब हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुझसे कब झूठ बोला? जागते हुए सपने देख रही है क्या? ब्लैंकेट के नीचे से आकाश से ही बात कर रही थी ना तुम, क्या हुआ, हो गई तुम्हारी स्वीट नथिंग्स की बातें या फिर कुछ और भी बकवास बची है? तुमने झूठ बोला और सजा हमें मिली तुम्हारी वजह से। आज तुम्हारी वजह से उदय हमसे हमसे इतना गुस्सा हो गया कि वो ओए की बच्ची, उदय तेरे से इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि तुझे हमेशा दूसरे के फटे में पाव बढ़ाने की आदत है ना, हर जगह गुस्ती रहती है, इसलिए अब तू अपनी काली करतूतों का नतीजा भुगत। हाँ नहीं तो अगर हमने तुम्हें अपनी कार नहीं दी होती तो तुम आकाश के पास कभी नहीं पहुंच पाते और तुम हम ही पर चिल्ला रही हो। मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ कि तूने मुझे चूरन की गोली दी और मैंने चटकारे लेके खा ली। मुझे सब पता है, तूने मेरी मदद इसलिए की ताकि उदय के सामने तू मुझे आकाश के साथ फंसा सके, है ना? अब चुप क्यों हो गई, बोल ना। सच सुन के तेरे भरकट चढ़ने लग गए। बड़ी यही मुझे फंसाने वाली बेड़ी कहेंगी, मेरे से पंगा लेने चली थी। हम तुमसे बदला लेकर रहेंगे, चाहे ये हमारी लाइफ में आखिरी चीज ही क्यों ना हो, पर तुमसे बदला लिए बगैर हम मरेंगे नहीं। तो जाना चक्की मर जा, मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? अनबिलीवेबल, ये हमें हो क्या रहा है? ठीक से पहुंच गई, बाल बाल बच्ची हूँ, पार्टी तो हिट थी ना। आकाश कितना खुश लग रहा था, अभी क्या कर रही हो? पार्टी की तस्वीरें देख रही हूँ। तो हमें भी भेजो फोटोज, हमने सिखाया था ना कैसे सेंड करते। तो हमें भी फोटोज भेजो ना, हमने तुम्हें सिखाया था ना फोटोज कैसे सेंड करते हैं।
दादा फाइनली वी मीट. हाँ आई मीन कितनी मैडनेस हो गया था ना वहां पे. आप और हम एक दूसरे को सिर्फ गाड़ियों में मिस किए जा रहे थे. छोटी तुमने हमें अवार्ड लेते हुए देखा था? ऑफ कोर्स देखा था. और आपके साथ साथ हमने जे को भी देखा था स्टेज पे. गॉड वो एक भी मौका नहीं छोड़ती आपके पास आने का. सीरियसली छोटी इस बार तो उसने हद ही कर दी. आई एम श्योर कि उसी ने मान्यता को वहां से बाहर भेजा होगा ताकि फिर वो मान्यता के बारे में हमारे दिमाग में रबिश भर सके. जे को छोड़िए. आर यू ओके? हाँ क्यों नहीं. आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं. कुछ तो अलग है. कुछ अलग नहीं है छोटी. वो हम चाहते थे कि उस वक्त अवार्ड लेते हुए मान्यता हमारे साथ स्टेज पे होती और वो नहीं थी तो थोड़े डिसअपॉइंटेड है बस. डिसअपॉइंटेड है? आर यू श्योर आप गुस्सा नहीं है सिर्फ डिसअपॉइंटेड है? हाँ छोटी हम मान्यता से बिल्कुल गुस्सा नहीं है. गुस्सा है तो उस जे से. वो अभी भी हमें मान्यता के लिए भड़काई जा रही है. आज उसी की वजह से मान्यता स्टेज पे नहीं थी. दादा लिसन टू योरसेल्फ. ये आप नहीं कोई और बात कर रहा है. आई नो छोटी कुछ समथिंग इज वियर्ड. आई डोंट नो व्हाट. वियर्ड दैट्स द वर्ड. बताइए क्या बात. पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है. अच्छा अच्छा वाला अजीब या बुरा वाला अजीब? आई डोंट नो आई मीन अजीब सा अजीब. हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ. अब आपके पेट में तितलियां उड़ रही हैं? तितलियां? छोटी हम तुम्हारे बड़े भाई हैं. तुम्हारी कोई छोटी बहन है जिसके साथ तुम ये तितलियां डिस्कस कर रही हो? दादा यू ब्लशिंग. आप शर्मा रहे हैं. इसका तो एक ही मतलब है आपको मान्यता से प्यार हो गया है. व्हाट रबिश छोटी. हमें कोई प्यार नहीं हुआ. हमें प्यार है तो अपने गद्दी से अपने रियासत से अपने किताब से. और मान्यता से. छोटी हमारे दिमाग में ये सब बातें भरना बंद कर दो. ये प्यार वाली जैसी चीजें वेस्ट ऑफ टाइम होती है. इससे फोकस सही और जरूरी चीजों से हट जाता है. और हम इतने कमजोर थोड़ी हैं जो प्यार जैसी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे. टू लेट दादा. आप माने या ना माने प्यार तो आपको हो गया है. हम जानते हैं कि आपको प्यार से डर लगता है. आपको लगता है कि प्यार आपकी कमजोरी बन जाएगा है ना? Think about it. ओ आकाश हद करते हो. मुझे भी शर्म सलाल टमाटर बनाई दिया तुमने. लड़की बन गई हूं मैं. हाँ नहीं तो एक और बात. हाय लव यू. सुना तुमने? Thank you.
लव यू मोनिया। आज जो तुमने मेरे लिए किया है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। खवानी झूठ बोलना था, अपने चौल से सीख कर आई। कुछ तो सबूत जरूर होगा। मत समझती है ना, हम इस फोन में से आकाश के बर्थडे पार्टीज के सारे पिक्चर्स निकालेंगे और इसके नाटक का दी एंड हो जाएगा। कुछ तो जरूर होगा इसमें। इसमें तो एक भी फोटोज नहीं है, कॉलेज पे भी एक भी आउटगोइंग इनकमिंग कॉल नहीं है। साले घुसेड़ू, मुझे पता था सुबह उठ के सबसे पहले काम तो यही करेगी, मेरे फोन के अंदर जाके डुबकी मारेगी। इसी ने कल रात के सारे फोटोज डिलीट कर दिए ना तुमने। मैं अपने फोन में चाहे फोटो खींचू, उसे मिटाओ या उसे वॉलपेपर बनाओ, ये मेरी मर्जी है, समझ गई घुसेड़न कहेंगी। To think, हमी ने तुम्हें वो फोन दिया था।
हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें वो फोन देना। हाय हाय, बोल तो ऐसी रही है जैसे कोई एहसान कर दिया हो। इसलिए दिया था ना ताकि मुझ पर नजर रख सके, ताकि सही वक्त आने पर मेरे फोन को मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लिसन यू, हमें तुम्हारी तरह बर्तन वाली स्टाइल में हाय हाय करके झगड़ा करना नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे हार जाएंगे। ओके मान्यता, इस पर आई मीन बिजनेस। हम जानते हैं तुम कल रात आकाश के साथ पार्टी कर रही थी और हम ये बात साबित करके रहेंगे। तू क्या रोज सुबह सुबह के प्लान बनाती है कि आज मुझे क खगा चीजें साबित करनी है? ये विच और किल्यू, तुम होते कौन हमारे इस तरह से मजाक बनाने वाली? मान्यता, आज तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी है। अब बस करा, जब देखो तुम अपने खोखले दिमाग की तरह खोखली खोखली धमकियां देती रहती है। आज तक तो तुमने क्या उखाड़ ली, जब उखाड़ लेगी, चल हट। लिसन यू, तुम अपने चौल में स्पेयर टाइम में कुछ नहीं क्या करती थी क्या, जो हमेशा तोड़ने फोड़ने और उखाड़ने की बातें करती हो? आज तो मैं तुझे कच्चा जवा जाऊंगी, फिर चाहे मुझे अपने गले में उंगली डाल के उंगली क्यों नहीं करनी पड़े। जे मान्यता, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? अपने घर के रेजिडेंट जमादारनी से पूछो। जे, वो आपकी बड़ी बहन, आप उनके साथ इस तरह की बातें नहीं कर सकती। और फिर बेटा, पिछले कुछ दिनों से तो आप लोग बड़े अच्छे से बातें कर रही थी, तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया बेटा? Stay out of this, okay? हमारे झगड़े के बीच में दखल देने की जरूरत नहीं आपको। रुक जाइए माँ, दुश्मनी मुझसे है ना तो तुम मुझसे लड़, अपना गुस्सा माँ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार अगर तूने माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया ना तो तू देख लो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। हाँ नहीं तो whatever। आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने जे को धमकी थी वो नहीं, आपने जो अभी अभी हमें कहकर पुकारा दोबारा कहिए। माँ, एक बार और कहिए। माँ, पहले आप रोना बंद कीजिए, फिर आप चाहोगे तो मैं आपको 500 बार माँ बुलाऊंगी, पर प्लीज मत रोइए। आप नहीं जानते, आप नहीं जानती, आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए हम 16 साल से तरस रहे थे। एक बार और कह दीजिए बेटा। माँ, हमारी बच्ची, शुरू हो गया डेली सोप। कोमल, आपकी आंखों में आंसू? आज आज मान्यता ने हमें माँ कहकर बुलाया है। Are you serious, Kumar? जी भारत, उन्होंने सच में हमें माँ कहकर बुलाया है।
आज जब उन्होंने माँ कहकर बुलाया ना माँ साहब, हमें ऐसा लगा जैसे हमें अपनी जिंदगी की सारी खुशी मिल गई, हमें हमारा वजूद मिल गया। सोलह साल ये शब्द सुनने के लिए हम तरस गए थे, जो आज उन्होंने हमसे कहा माँ, हमें माँ कहा आपने सुना महाराज। हाँ कोमल, पहली बार आज लफ्ज कम पड़ रहे हैं कोमल, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या कहें। से भर दिया, अरे माता जी, मैंने उन्हें मां बोलने की कोई प्लानिंग शानिंग थोड़ी ना की थी, पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप कैसे निकल गया। अब आप फिल्मी होना बंद करो वरना मां और रोएंगी। मान्यता, वेल डन। सच में खून तो तुम्हारे अंदर रजवाड़ों का ही है। पहले हमसे हमारी डीएस को छीना, फिर उदय को, और अब मॉम। पर तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ ये है मान्यता कि हमने हार के बैठ जाना सीखा ही नहीं है। अगर इस जंग में शहीद भी हो गए ना तो भी लड़ते लड़ते ही मरेंगे। अब तुम देखो हम कैसे तुमसे ये सब कुछ वापस छीनते हैं।